पहले ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में यहाँ 1 इंच निकालने के बाद में टेप को इस तरह से पूरा सीधा बिछा लेंगे। एक बार में जिनने वर्टिकल मेजरमेंट करना है, निशान लगाना है, तो वो पूरे लगा सकते हैं। तो अब हमारा हिप है 42 इंच है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा 10.5 आएगा यहाँ। तो 10.5 पे एक मार्क दे देंगे। उसके बाद हमें जो हमें टाइस का जो निशान है, जिसको हम रान बोलते हैं, रान का निशान लगाने के लिए हमें यहाँ से लूसिंग के लिए 2 इंच नीचे एक निशान देना है। तो 10.5 है, तो 2 इंच इसमें प्लस किया तो 12.5 इंच हो गया, यहाँ एक मार्क दे देंगे। इसी तरह हमारा जो नी लेंथ है, जो जिसको घुटना बोलते हैं, वो 22 इंच है, तो 22 पे एक मार्क दे देंगे। और जो हमारा काफ मसल जो तिलिया बोलते हैं, वो 26 इंच है, तो वहाँ पे एक मार्क दे देंगे। और हमारा जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ है, तो फुल लेंथ में हमें 36 इंच है, तो 36 इंच पे एक निशान दे देंगे। और इसके नीचे पलटने के लिए 3 इंच हम प्लस करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अब हमें ये जो हिप का चौथाई वाला भाग का जो मार्क था, इस पर निशान नहीं देना है। ये जो 2 इंच नीचे हमने जो प्लस किया था, वहाँ हमें सीधा एक मार्क दे देना है। एक मार्क हो गया। इसी तरह से ये घुटने का एक मार्क हो गया, नी का हो गया, और ये काफ का हो गया, और ये फुल लेंथ का हमारा मार्क हो गया, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका एक मिडिल का निशान लगाना है, सीधा एक भाग लगा निकालना है किस तरह से, ताकि हमारा पैंट इधर उधर नहीं बाजे। तो हम एक 7 इंच पकड़ लेते हैं, ये स्टैंडर्ड में है। अगर यह आपका हिप मोटा है या ज़्यादा बड़ा साइज है, तो 7.5-8 इंच तक आप लगा सकते हो साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं यहाँ 7 इंच पे यहाँ लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी 7 इंच लगा लेंगे, और इसी तरह से यहाँ भी 7 इंच पे एक निशान दे देंगे, और नीचे भी 7 इंच पे एक निशान दे देंगे। उसके बाद हम ऊपर आ जाएंगे, यहाँ भी 7 इंच होगा, और यहाँ भी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हमें इस निशान को यहाँ सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो हमारा हिप है 42 इंच है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी तो हमारा ये 10.5 आना चाहिए, तो यहाँ 5.25 में यहाँ एक निशान दे देंगे। इसी तरह यहाँ भी 5.25 इंच पे एक निशान दे देंगे। तो अभी देखिए 10.5 हो गया, ये हमारा हिप का चौथाई भाग था, तो ये इधर आ गया। अभी इसके बाद हमें 1.5 इंच आगे की ओर करना है, यानी 1.5 इंच आगे की ओर एक मार्क करना है। जो ये मार्क 5.25 है, वही यहाँ पे हम ऊपर की ओर 5.25 इंच पे एक निशान दे देंगे, और इस निशान को इसको हम एकदम सीधा निशान दे देंगे। और इस जगह पे हम आर्म कर्व की मदद से एक निशान दे देंगे, यहाँ एक निशान दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 5.25 इंच है, जो यहाँ थाइस का लगाया था आधा, वो भी यहाँ एक निशान दे देंगे। यहाँ का नी है 17 इंच है, तो हमें यहाँ पे 4.25 में एक निशान देना है, और इसी तरह से यहाँ भी 4.25 में एक निशान देना है, यानी ये 8.5 हो गया, 17 का हो गया। इसी तरह से यहाँ हमारा जो काफ राउंड है, वो यहाँ 15.5 इंच है, तो हम 15 करेंगे, 3.5 करेंगे, और एक सूट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ भी, तो हमारा ये 7.25 इंच यहाँ पे पूरा हो गया। इसी तरह से यहाँ नीचे के भाग में आ जाएंगे, जो मोरी है हमारा बॉटम वाला, वहाँ पे हम 6 इंच है, तो उसका डिवाइड 6 करेंगे डबल में। अब हमको ऊपर आ जाना है, और स्केल की मदद से जो हमारा पॉकेट वाला साइड होता है, उधर की तरफ हमको शेप देना। अब हमें यहाँ ऐसे नहीं रखना है, बल्कि हमको इसको इस तरह का शेप देना है। ऐसे करने से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि हमें इस तरह से कुछ शेप देना है। ये शेप इस तरह से देना है, ये निशान और ये निशान, ये तीनों आपस में लगभग मिलना चाहिए। ये देखना, ये परफेक्ट एकदम मिले हैं।
इनको मिलना चाहिए। अब स्केल को अप डाउन करके इनको मिलाना है, ऐसा नहीं कि स्केल को यहाँ रख दिया अब नहीं आ रहे तो अब क्या करें, इस तरह से इसको रखना है। तो ये फिक्स बैठा है और इसको यहाँ से यहाँ तक घुटने तक एक निशान दे देंगे नी तक। अब इस स्केल को पलट के यहाँ पे इधर को रख लेंगे, यहाँ पे एक मार्क दे देंगे मोरी तलक, ये ऐसे करके ये देंगे। ये नीचे के भाग में बहुत अच्छी यहाँ फिटिंग आने वाली है पहनने के बाद। अब यह हमें टाइस से करना है, नी तक का एक निशान लगाना है, ये देखिए ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद में स्केल को थोड़ा ऊपर की ओर सरकाएंगे और ये देखते हैं यहाँ पे दोनों को एक निशान दे देंगे, के बाद में ऊपर आ जाएंगे। ये जो ऊपर का भाग है इसको नीचे की ओर गिराना है। बहुत मोटे लोग होते हैं तो उनको 1.5 और उसके ज्यादा भी, जिनका पेट ज्यादा होता है, मोटे नहीं जिनका पेट बाहर का निकला होता है, तो उनका ये आगे को कितना कितना गिराना है वो अलग है। फिलहाल मैं इसको 1 इंच डाउन करूंगा, नीचे की ओर करूंगा 1 इंच पे ये सामने लेंगे। उसके बाद में यहाँ हमारा जो वेस्ट है उसका मेजर करेंगे, तो वेस्ट है हमारी 34 इंच, तो 34 का 8 चौक 32 और 8.5 इंच यहाँ पे हम एक निशान दे देंगे, तो 1.25 इंच हमारा बचा। अब हम उसको यहाँ पे उसका टक डालेंगे, जो ये कपड़ा यहाँ एक्स्ट्रा हुआ उसका हम यहाँ पे डार्ट डालेंगे। तो डार्ट डालने के लिए हमें 1/2 इंच और 1 सूट पे यहाँ मार्क देना है, 1/2 इंच और 1 सूट पे यहाँ, तो टोटल हमारा 1.25 हो गया। यहाँ से टक को हमें 5.5 इंच तक नीचे लेके आना है। उसके बाद हमें स्केल की मदद से इसको यहाँ मार्क कर देना है कुछ इस तरह से, और इसको भी का जो भाग है इसको लगभग 1 सूत ऊपर की ओर करना है, ऊपर की ओर 1 सूत ये निशान यहाँ से इसको ऐसे कट करना है, क्योंकि जब डार्ट डालते हैं तो ये भाग छोटा हो जाता है। अब हमें ये मार्क हमारा पूरा फिक्स हो गया, ये हमने फिक्स मार्क लगाए हैं ये पूरा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप ऑर्डर से लेके बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं, तो आप यहाँ पे 0.75 इंच का मार्जिन देकर कट कर सकते हो। कभी भी लूज की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से हो सकता है 1/2 1 इंच लूज पैंट को कर सकते हो। दोनों साइड 0.5 इंच का मार्जिन देके आप कट कर सकते हो, वो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग। वैसे 1/2 इंच ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं इसको कट करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने कट कर लिया। अब हम इसका बैक कट करना बताएंगे। अब ये बैक कट करेंगे, फ्रंट रख लिया है, बैक कट करेंगे। तो इस मार्क को भी ये देखना, वो 7 इंच पे हमने एक मार्क दिया था, तो इसको भी 7 इंच पे ही रखेंगे। और इस तरह से हम नीचे भी चेक कर लेंगे, तो नीचे भी पूरा इसको 7 इंच पे ही रखेंगे। तो 7 इंच हो गया है। ये जो 2 इंच का निशान लगाएंगे बैक एक्स्ट्रा कट करने के लिए, उसके बाद में यहाँ जो घुटना है यहाँ हमें 1.5 इंच पे लगाएंगे, यहाँ 1/2 इंच पे, और नीचे का जो भाग है वो 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, 1/2 पे। अब ये देखिए ये निशान हो गए। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, या तो आप इसको कट कर लो इधर का जो भाग है, या आप इसको कट कर लो, नहीं तो एक निशान दे दो इसके से। मैंने
मैंने एक निशान दे दिया। अब हमें क्या करना है, मार्क को इधर कॉपी कर लेंगे। अब इन निशानों को उठाकर इसके ऊपर रख देना है, यहाँ यहाँ देखिए, ये इसके ऊपर रख देना है सीधा। और ये हमारा इधर के पार्ट को हम पहले कट करेंगे। ये इस तरह से इधर को रख के कट करने का तरीका ये बहुत अच्छा है, और ये इस तरह से कट करना चाहिए। वो ये अब वापस में इधर रख दूंगा। साइड से कट हो गया, इसको फिर यहां से पूरा अच्छे से कर देख लेंगे। और ये मार्जिन समेत यहाँ है, एक निशान दे देंगे। निशान देने के बाद वापस रखेंगे और आर्म कर्व की मदद से यहाँ पे मार्क दे देंगे। ये अब हमें यहाँ से भी कट कर लेना है। हमने कट कर लिया है। अब देखना यहाँ जब हम स्टिच करेंगे तो ये जो भाग है हमारा इधर ऐसे करके इधर आ जाएगा। यहाँ हाफ इंच का मार्जिंग है, पीछे इलास्टिक आएगा, यहाँ ये डार्ट आ जाएगा, और बैक में हमें लूजिंग चाहिए तो ये लूजिंग हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको जोड़ करेंगे स्टिच करने के टाइम में, तो ये दोनों एकदम बहुत परफेक्ट आ जाएगा।